नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ बिश्नोई समाज के पांच बड़े व कुख्यात गैंगस्टरों की सूची। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप भी गैंगस्टरों से जुड़ी जानकारी में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर पाँच दोस्तों, इस सूची में नंबर पाँच पर है 0029 के मुख्य सरगना अनिल मांझू। अनिल मांझू मौर्या मुंजासर जोधपुर का निवासी है। अनिल मांझू उस समय सुर्खियों में आया जब उसने 007 के श्याम पूनिया से बदला लेते हुए श्याम पूनिया के घर को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल अनिल मांझू की गैंग 0029 व 007 के बीच तीखी नोक झोंक देखने को मिल रही है। नंबर चार, इस लिस्ट में नंबर चार पर है 007 का मुख्य सरगना श्याम पूनिया। श्याम पूनिया जोधपुर के बियासर का रहने वाला है। श्याम बिश्नोई पर जोधपुर, चूरू व बीकानेर के थानों में हत्या के प्रयास, लूट, डकैती व उद्यापन के 15 से ज्यादा केस दर्ज हैं। वर्तमान में श्याम पूनिया जेल में बंद है। नंबर तीन, इस सूची में नंबर तीन पर है 007 के मुख्य सदस्यों में से एक राजू मांझू। राजू मांझू की पुलिस को एक हत्या के मामले में तलाश है। राजू मांझू पर अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल राजू मांझू ने लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से हाथ मिला लिया है। इसके साथ ही राजू मांझू व 0029 के अनिल मांझू के मध्य तनातनी का माहौल अभी भी जारी है। नंबर दो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर दो पर नाम आता है बाटेलाई निवासी व पूर्व सरपंच कैलाश मांझू का। कैलाश मांझू पर हत्या के प्रयास, मारपीट व लूटपाट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। कैलाश मांझू ने 2013 में जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी कर दी थी, तब से यह फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा इसे मोस्ट वांटेड व इनामी बदमाश घोषित करने के बाद यह नेपाल के काठमांडू चला गया था। 7-8 साल फरार रहने के बाद कैलाश को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब कैलाश मांझू अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। नंबर वन, इस लिस्ट में नंबर वन पर है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस पर हत्या के प्रयास, मारपीट व हथियार सप्लाई से जुड़े 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लॉरेंस पर जोधपुर के ट्रेवल्स एजेंसी के मालिक और एक डॉक्टर के घर फायरिंग करने का आरोप है। लॉरेंस के पास 7 करोड़ की पुश्तैनी जमीन है। लॉरेंस उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे डाली। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी नहीं। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का घर में मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। वर्तमान में लॉरेंस जेल में है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद जेल से ही अपनी गैंग का संचालन करता है। और अब तो लॉरेंस ने जोधपुर की गैंग 007 के साथ हाथ भी मिला लिया है। तो दोस्तों, यह थे बिश्नोई समाज के पांच बड़े गैंगस्टर। अगर आपको लगता है कि इस सूची में किसी गैंगस्टर का नाम नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम जब भी इसका दूसरा पार्ट निकालें तो उनको भी शामिल कर सकें। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहें।